सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एबीसी पार्टनर एक फर्म के अंदर और दे हैव नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर गाइडेंस, मतलब उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो इस केस के अंदर कहता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट कमेंसमेंट ऑफ अ फर्म, कि भाई कमेंस तो कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया और एक साल हो गया, दे हैव फेस्ड प्रॉब्लम, तो उनको फॉलोइंग प्रॉब्लम आई, तो आपने देखना है कि आप इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। डीड नहीं बनाई है, ए कहता है वांट्स टू दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर बट बी एंड सी नॉट एग्री। ए बी सी तीन के तीन क्या थे, पार्टनर थे, तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए कहता है कि भाई डीड तो बनाई नहीं, ए कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, बी और सी कहते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब डिसाइड नहीं किया तो कोई नहीं मिलना चाहिए। तो भाई अब आपने पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग देखना है कि जब आपने डिसाइड नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या कहता है जी, बी वांट्स दैट पार्टनर शुड अलाउड ड्यू ए सैलरी, कि सैलरी मिलनी चाहिए पार्टनर को, बट ए एंड सी नॉट एग्री। मतलब बी क्या कहता है यहाँ पर कि भाई पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन ए और सी इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन डीड में नहीं लिखा तो ये बात भी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, कोई किसी को सैलरी नहीं दी जाएगी। अब सी क्या कहता है, वांट्स टू लोन गिवन बाय हिम फर्म बियर इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम, बट ए बी डू नॉट एग्री। तो यहां पर सी के द्वारा क्या दिया गया, बिजनेस फर्म को लोन दिया गया और लोन का जो रेट है वो डिसाइड नहीं किया गया। अब ये कहता है जो सी है, ये कहता है मेरे को 10% पर एनम क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन भाई ना तो ए इससे मानता है ना ही बी इस बात को रिजेक्ट कर रहे, दोनों के दोनों इस बात को रिजेक्ट करते हैं। तो बताओ क्या 10% इसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए लोन पे, तो नहीं मिलेगा 10%, बल्कि कितना मिलेगा, 6% पर एनम इसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा जो इसने लोन प्रोवाइड किया सी के द्वारा। नेक्स्ट कहता है ए बी हैविंग कंट्रीब्यूट लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब ए और बी ने ज्यादा पैसा लगा रखा है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसने मान लेते हैं 1 लाख लगा रखा है, इसने कितने लगा रखे हैं, 2 लाख लगा रखे हैं और इसने 10,000 लगा रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है ए बी हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, ए ने ज्यादा पैसा लगा रखा है और बी ने, डिजायर टू प्रॉफिट शुड बी डिवाइड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, कि भाई जो हमने कैपिटल लगा रखी है ना उस रेशियो में हमारे को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, मतलब इसको कितने हिस्से आने चाहिए, 10 हिस्से, इसको कितने हिस्से आने चाहिए, 20 हिस्से, और इसको कितने हिस्से आना चाहिए, 1 हिस्सा इसको आना चाहिए, तो ऐसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको 1 हिस्सा आना चाहिए सी को, लेकिन जो सी है वो इस बात को रिजेक्ट करता है। तो बताओ आप क्या करोगे, डीड नहीं बनाई तो भाई सभी को क्या करोगे, आप इक्वल ट्रीट करोगे, सभी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हम फॉलोइंग जो आंसर है वो दे चुके हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।